स्पोर्ट्स फील्ड की बात करिए, भारतीय एथलीट दूती चंद पर चार वर्ष नो प्रतिबंध लगावी देवायो। डोपिंग ना कारणे तेमना पर प्रतिबंध लगावायो छे। आ मामले दूती चंदे प्रतिक्रिया आपता कह्यु के तेमनो इरादो डोपिंग थी परफॉर्मन्स मा सुधारो के वधारो करवानो न हतो, तेमने लीधेली दवा मा डोपिंग नो हिस्सो हतो जेनी तेमने जाण न हती। भारतीय एथलीट दूती चंद पर डोपिंग ना मामले चार वर्ष नो प्रतिबंध लगावामां आव्यो छे। दूतीना टेस्ट में सिलेक्टिव इंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्युलेटर मळी आव्यु, जेना कारणे तेना पर चार वर्षनो प्रतिबंध लगावामां आव्यो छे। आ प्रतिबंध जान्युआरी 2023 थी मानवामां आवशे। सुन के तो बहुत शक लगा मुझे, बहुत दुखी हो गई, अंदर से टूट गई मैंने कि इतनी बड़ी जो एथलेटिक लोग मानते थे मुझे और इतना मेहनत करके इतना बड़ा बड़ा कॉम्पिटिशन में मेडल जीत के देश का नाम रोशन किया था, वो मेरे साथ ऐसा हो गया। दूती ने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा जान्युआरी में सस्पेंड करी देवामां आवी हती, जेना कारणे तेओ अत्यार सुधी कोई पण प्रकारनी टूर्नामेंट थी दूर हता। हालमां पण तेओ नेशनल कैम्प नो हिस्सो नथी। तब मेरा 2022 नवंबर 28 में मेरा सैंपल लिया गया था और इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आया। पहले तो मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली क्या चीज़ में आया है, फिर भी सैंपल के लिए अप्लाई किया था मैंने और भी सैंपल का रिपोर्ट भी आया मुझे, फिर मार्च में आया। उसमें पता चला कि मेरा पेन के लिए गोइन पेन चल रहा था उस टाइम में, और इसको लेके मैं जब मेडिसिन जो कंटिन्यू किया था उसी मेडिसिन में पॉजिटिव रिजल्ट आया है। દૂતીના કહેવા પ્રમાણે તેમણે લીધેલી દવામાં ડોપિંગનો હિસ્સો હતો, જેની જાણ ન તેમને કે ન તેમના ડોક્ટરને હતી। દૂતીએ કહ્યું હતું કે કોઈ પણ પ્રકારના ડ્રગની મદદથી ગેમમાં પરફોર્મન્સમાં વધારો કરવાનો તેમનો કોઈ ઈરાદો ન હતો। तो इतना रिक्वेस्ट कर पाऊंगी अभी स्टेट गवर्नमेंट को, इंडिया गवर्नमेंट को, पोस्ट उत्तर प्रदेश इंडिया को, नाटक टीम को कि मैं लाइफ में 10 साल से ज़्यादा तक मैं खेल रहा हूँ, कभी भी मैं ऐसा फील नहीं किया कि डोपिंग का जो नेगेटिव मेरे साथ कभी हुआ नहीं। तो मैं थे इस बार मुझे माफ़ किया जाए, मैं कभी गलती नहीं किया है, मैं कोई स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ाने का कोई इंटेंशन मेरा नहीं था, पेन के लिए रिलीज के लिए लिया था। મહત્વપૂર્ણ છે કે દૂતી ચંદ અનેક વખત શાનદાર પ્રદર્શન કરીને ભારતનું નામ રોશન કરી ચૂક્યા છે। પોતાની કારકિર્દીમાં તેઓ પર કોઈ આરોપ લાગ્યો નથી તેમ જણાવતા તેમણે સરકાર અને નાડાને વિનંતી કરી છે કે તેમના પરનો પ્રતિબંધ દૂર કરવામાં આવે। બ્યુરો રિપોર્ટ, જી